हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट अमन एंड यू वाचिंग टॉप गियर एक्सट्रीम। तो आज हम करने वाले न्यू ऑल्टो की बात। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पुरानी ऑल्टो 800 है जो काफ़ी फेमस थी हमारी इंडिया के अंदर। एंड तो इसी को मारुति ने फेस लिफ्ट करके अब काफ़ी बोल्ड और एग्रेसिव लुक दे दिया है। बाहर से काफ़ी बड़ी कर दी है एंड इंटीरियर वाइज भी काफ़ी अच्छी कर दी है, जैसे कि हमें फोटोज जो लीक हुई है उनमें देख सकते हैं। एंड आप देख भी सकते हैं आजकल मारुति अपनी पुरानी गाड़ियों की फेस लिफ्ट निकालने में लगी हुई है, जैसे बलिनो से उन्होंने स्टार्ट करा था एंड काफ़ी गाड़ियों की फेस लिफ्ट कर दी है। एंड गाड़ी एंड सेफ्टी वाइज भी मारुति काफ़ी अच्छा कर रही है। जैसे अगर हम फ्रंट लुक की बात करें अपनी ऑल्टो की, तो आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट काफ़ी यूज़ हो रखा है एंड आगे से ये सैंट्रो की तरह एंड ग्रैंड आइटन की तरह लग रही है। तो अगर उसमें बहुत बड़ा सा मेश ग्रिल दे रखा है बम्पर में, जिससे काफ़ी बोल्ड लुक आ रहा है, एग्रेसिव लुक आ रहा है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें एंड बैक प्रोफाइल की बात करें, तो बैक से सिलेरियो जैसी लगती है एंड इसकी लाइट है एंड थोड़ी सी बॉक्सी लुक की है, जिससे थोड़ी वैगन टाइप भी लग रही है गाड़ी। और अगर हम इसका पूरा लेफ्ट प्रोफाइल देखें, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी क्लासी एंड जिसको बोलते हैं अच्छा लग रहा है लेमैन भाषा में। एंड ये नहीं बोल सकते ये काफ़ी छोटी है, ये थोड़ी हाइटेड भी ज़्यादा है गाड़ी एंड लेंथ वाइज भी बड़ी है। तो ये नहीं कह सकते कि यार पहले जैसे होता था कि ऑल्टो छोटी है। जैसा कि हम इसका इंटीरियर देख सकते हैं, वो फुल ब्लैक कलर का आता है एंड आप देख सकते हैं कि इसमें 7 इंच का टच भी आ रहा है एंड उसके नीचे ही हमारा पावर विंडो की बटन्स हैं एंड उसके नीचे देखा जाए तो एसी के कंट्रोल्स हैं। एंड स्टेयरिंग देखें तो जो वैगनर के अंदर आता है वही इसके अंदर आ रहा है अब। एंड अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो एनालॉग नहीं आ रहा, डिजिटल आ रहा है पूरा। बट ये डिजिटल कलर नहीं होगा, बट हाँ ये कह सकते हैं कि डिजिटल अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि ऐसे कोई भी फीचर पहले ऑल्टो में नहीं आते थे जो आपकी ऑल्टो में आ रहा है। कि आप पूरा फ्रंट से देखो कितना सुंदर इसका इंटीरियर लग रहा है। एंड जो रही सेफ्टी की बात, वो तो क्रैश टेस्ट होने के बाद ही पता लगेगा कि कितनी सेफ कार है और कितनी नहीं। एंड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कौन सा वेरियंट आ रहा है, कौन से कलर्स आ रहे हैं एंड एक्सेट्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।